पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली और तेज मूसलाधार बारिश के साथ ओले पड़े, जिससे लोगों का जनजीवन कुछ देर के लिए रुक गया। इस दौरान जो लोग घर से निकले उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर कोई अपने आप को छतरी के नीचे छुपाता हुआ दिखाई दिया। वहीं बिजली गिरने से हस्तिनापुर क्षेत्र के गांव किशनपुर में एक युवक की मौत हो गई। वहीं हापुड़ में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से सिंभावली के अनूपपुर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जिले के ही दूसरे गांव में बिजली घर पर ही गिर गई, जिससे घर में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया। मैं बाबूगढ़ बिजली घर से लाइनमैन हूं जी। यहां आकाश की बिजली गिरने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी। यहां आने के मीटर में आग लग गई, यहां बिजली गिरी और 3-4 जगह तार टूटे और पूरा बिजली का ठप कर दिया। इसमें अब लाइट नहीं चल रही, अभी लाइट सब बंद है सिस्टम। आपको बता दें कि पूरे राज्य में मौसम ने अचानक से करवट ली है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल रहमान और हापुड़ से नदीम अहमद की रिपोर्ट।